हेलो स्वागत करता हूं देखिए तो मार्केट में जीतने का तो एक, एक ही सिंपल सा रूल है कि यहां पर जो आपके साथ खेल कर रहा है उसके साथ आप खेल कर दीजिए तो मार्केट में आप जीतते हुए नजर आएंगे कल मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पर ब्रेकआउट होगा आज ब्रेकआउट होता हुआ भी दिखाई दिया बट कुछ यहाँ पर साथ में देखे तो यहाँ पर आरबीआई की पॉलिसी भी है कल तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर अनिश्चितता अनसर्टेनिटी थी तो इस वजह से अगर हम बात करें तो यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई दी बट जो हमारे लाइन खींच रखी है ये लाइन कोई ऐसी वैसी लाइने नहीं है एक तरीके से लक्ष्मण रेखा होती है ना वो लक्ष्मण रेखा है, है। अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इन लाइनों को क्रॉस करना है मार्केट को नीचे आना है तो इन लाइनों को क्रॉस करना है तो आज मार्केट गिरती हुई नजर आई और गिरने के बाद कहां पर आई देख रहे हो तो यहाँ पर जो हमने लाइन खींच रखी थी इसे टच करके ठीक है चुपचाप ऊपर चली गई तो इसे ही कहते हैं मार्केट में किस तरीके से काम करना है किस तरीके से निफ्टी जब नीचे आ रहा था तो आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते थे कि कहाँ तक नीचे आएगा और फिर नीचे आने के बाद आप यहाँ पर दोबारा बाइक करके यहाँ पर कर सकते थे कि यहाँ पर कितना बाइक कर सकते हैं वो यहाँ पर आप सिंपली सोच सकते हैं और यहाँ पर दोबारा उसी लाइन के आसपास क्लोज हुई है अब तेजी के लिए जो इसका आज का हाई है सत्रह हजार चार सौ नब्बे इसे क्रॉस कर दे तो यहाँ पर एक तेजी होती हुई दिखाई देगी जो इसे जो कि हमने बता रखा है अठारह हजार तक लेके जाएगी और अगर नीचे आ, की लेवल की बात करें तो नीचे यहाँ पर इसका सपोर्ट नजर आता है तो मार्केट में तेजी नजर आती है कमजोरी नजर नहीं आती तो यहां तक तो मार्केट जाएगी, जाएगी जाएगी बट जो हमने यहाँ पर टारगेट आपको दो दिन पहले दिए थे कि निफ्टी का टारगेट यहाँ पर आप जाएंगे वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पर हमने आपको बता रखा है कि किस तरीके से निफ्टी का टारगेट आता हुआ दिखाई देगा यहाँ पर देखिए निफ्टी टारगेट नाइनटीन तो नाइन थाउजेंड का जो टारगेट है वो एज इट इज यहां पर फिर वैलिड नजर आता है तो इसी हिसाब से आपको यहां पर क्या करना है काम करके देखना है इसके अलावा हम बात करेंगे यहां पर निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप की निफ्टी स्मॉल कैप की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप भी देखिए यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया पहले यहाँ पर ऊपर ऊपर जाके यहां पर नीचे आता हुआ दिखाई दिया और नीचे आके क्या किया इसने नीचे आके जो हमने लाया। हमारे पास लाइन थी उसी के आसपास यहाँ पर आके दोबारा ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया तो ये लाइने काफी इंपोर्टेंट रोल प्ले करती है इसे थोड़ा सा थोड़ा सा इसे माइंड में रखिए क्यों क्योंकि इन्हीं के हिसाब से आप यहां पर काम करते हुए नजर आएंगे और ये लाइनें कैसे खींचते हैं इसके लिए पूरी टेक्निकल की प्लेलिस्ट बना रखी है जाके यहां पर देख सकते हैं ये टेक्निकल की प्लेलिस्ट है जाके एक बार विजिट कर लीजिए आपको यहां पर क्लियर समझ में आ जाएगी कि यहां पर ये लाइनें कैसे खींचनी है पेरिगली है जो इसका आज का आई है 9400 9400 904

लेते हैं निफ्टी बैंक आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक में अगेन यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई दी गिरावट में लाइन तोड़ती हुई दिखाई दी अगेन और तोड़ने के बाद क्या हुआ तोड़ने के बाद जो इसका ये यहाँ ये यह सपोर्ट नजर आता था ओके okay, यही सपोर्ट पे इसने लिया लेके ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर जब आज का हाई जो इसका है अड़तीस दो सौ इकतीस इसे निकाला तो यहाँ पर तो ये साफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है बट इससे पहले ये अड़तीस सात सौ का लेवल एक बार टच करेगा फिर यहाँ पर जाएगा तो थोड़ा सा रखिए थोड़ा सा यहाँ पर मार्केट को देखिए वॉच करिए चीज समझ में आएगी और आज एक्सपायरी भी थी तो मार्केट उसी हिसाब से काम करती हुई नजर आएगी कल मैंने आपको बताया था कि फार्मा ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए ऊपर गया रिट्रेस हुआ फिर ऊपर गया और आज अच्छा वॉल्यूम के साथ यहां पर ब्रेकआउट हुआ मैंने कह दिया था यहां से ब्रेकआउट हुआ सबसे पहले यहां रुकेगा और इसके बाद सीधे यहां रुकता हुआ नजर आएगा और इसे भी क्रॉस किया तो यहां तक। तो तक निफ्टी निफ्टी फार्मा फार्मा में तेजी करके फार्मा में तेजी करके करके चलिए चलिए के जो स्टॉक्स है उनमें ओके अच्छे खासे आपको रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे दस से बीस के रिटर्न कहीं नहीं गए तो इसी तरीके से रोटेशन को पता करके जो हम आपको बता रहे हैं कि ऐसे रोटेशन होता है इस रोटेशन को पता करके आपको पता चल जाएगी क्या चीज बेचनी है और क्या चीज खरीदनी है तो यहां पर निफ्टी फार्मा खरीद खरीदने का टाइम आ गया है तो यहाँ पर आपको जो इस तरीके राउंडिंग बॉटम टॉप बना के नीचे आया था ना इसी तरीके से राउंडिंग बॉटम बना के ना चीजें ऊपर जाती हुई नजर आएगी याद रखिएगा तो इस तरीके से चीजें नजर आएगी जो कि मुझे नजर आता है तीन से इस महीन इस इस साल के लास्ट तक इस लेवल तक ये सिंपल पोस्टा हुआ नजर आ रहा है तो ध्यान रखिए इन लेवलों का अब ये हो गए पर्टिकुलर इंडेक्सेस इसी तरीके से आप देख सकते हैं अब मैं कुछ स्टॉक्स बता देता हूं जो यहां पर ब्रेकआउट पे खड़े हुए हैं जो अच्छा खासा यहां पर आपको पैसा दिला सकते हैं सबसे पहले वन का यहां पर बोनस अनाउंस किया है एज वेल एज ब्रेकआउट आज होता मुझे पता थी इसके ऊपर नहीं जाएगा ये लाइन मैंने खींच रखी थी तो यहाँ पर कल अगर इस लाइन के ऊपर मतलब दो से ये क्रॉस कर देता है तेजी करिएगा थोड़ी सी थोड़ी सी ज्यादा नहीं थोड़ी सी तेजी करिएगा ओके दस एक परसेंट के आसपास की और उसके बाद चुपचाप बेच कर निकल जाइएगा क्यों क्योंकि शेयर यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दे सकता है फिर मौका मिलेगा फिर यहाँ पर खरीद सकते हैं तो इस तरीके से काम करिएगा बी में इसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो एक स्टॉक्स है गल्फ ऑयल काफी बार यहाँ पर इससे रिलेटेड वीडियो बनाई है आपको बताया है कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करना शुरू कर दिया है पहला ब्रेकआउट देखिए यहां पर जो हमने लाइन खींच रखी थी वहां से हुआ फिर नीचे आया रिट्रेस हुआ फिर यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई दी बट मेरे को यहाँ पर तेजी क्या दिखाई दे रही है मैं यहाँ पर इस शेयर को आपको रिकमेंड कर रहा हूँ थोड़े बहुत रिटर्न के लिए ने अच्छे खासे रिटर्न के लिए यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा सोलह के रिटर्न यहां पर बनते हुए नजर आ रहे थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जाएगा सबसे पहला चार फिर ये लाइन है जो मेन चार की वो और फिर सीधे यहाँ पर जाता हुआ दिखाई दे रहा और इसे भी क्रॉस कर दिया तो चीजें यहाँ पर अच्छी खासी होती हुई नजर आ रही है वॉल्यूम दोबारा आ रहे हैं और यहाँ पर राउंडिंग बॉटम बना के चीजें ऊपर जा सकती है गल्फ पॉइंट की तरफ पोजिशनल बेसिस पे ध्यान दीजिए इसके अलावा बहुत टाइम से मैं आपको स्टॉक्स बता रहा हूँ एस एल्याल्यालया कि यहाँ पर खरीदिए 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 तीस परसेंट के रिटर्न समझ रहे तीस परसेंट के रिटर्न कुछ दिन में मिल गए मैंने तो यहाँ पर यहाँ पर ये शेयर लिया था फिर भी यहाँ पर पंद्रह परसेंट के रिटर्न मुझे मिलते हुए नजर आ रहे अच्छा खासा शेयर है ओके okay, और यहाँ पर इसकी तेजी खत्म नहीं हुई है मैंने जैसे कि यहाँ पर कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी और आपको बताया था कि यहाँ पर अप्रैल तक अप्रैल 2023 तक यहाँ पर यह शेयर डबल होता हुआ नजर आ रहा है ओके okay, और डबल से भी ज्यादा यहाँ पर रिटर्न देते हुए नजर आएगा तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए ये शेयर कुछ दिनों में शायद आपको अच्छे खास रिटर्न देता हुआ नजर आएगा ये तो लाइन ऐसी ही है ओके okay, अप्रैल तो क्या इससे पहले यहाँ पर दिसंबर तक शायद अच्छे खासे रिटर्न देता है सर यह की तरफ ध्यान देना है ओके इसके रिलेटेड दोबारा दूसरी वीडियो एक बार दोबारा बनाऊंगा के ईआई इंडस्ट्री की बात करें के आई इंडस्ट्री देख सकते हैं ब्रेकआउट हुआ ओके और यहाँ पर आज का हाई चौदह सौ का है चौदह सौ का हाई निकाला तो यहाँ पर तेजी होती हुई दिखाई दे रही है तो इसकी तरफ ध्यान देते रहिए शायद रिजल्ट आए या नहीं आए एक बार एक बार देख लेते हैं इसके रिजल्ट आए हैं कि नहीं या इसी वजह से यहाँ पर भागा एशियो तो यहाँ पर देखते हैं रिजल्ट आ चुके हैं ओके टेन परसेंट का मार्जिन है थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कोशिश भी अपनाइएगा क्यों क्योंकि यहाँ पर चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है ओके okay, कंपनी ने अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया ठीक है बट यहाँ पर मार्जिन पे दबाव है तो यहाँ पर चीजें थोड़ा सा नीचे आ जाए तब बाई करिए क्योंकि उसके बाद यहाँ पर अच्छे खासे आपको रिटर्न मिलते हुए नजर आएंगे कुछ दिन पहले एमटार दिया था बिल्कुल नीचे से दिलाया था और उसके बाद देख सकते हैं क्या रिटर्न मिले हैं आज के दिन थोड़ा सा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आया बट ये गिरावट जस्ट बिकॉज मार्केट में गिरावट थी इसलिए इसका लो तोड़ा तो यहाँ पर नीचे आएगा बट यहाँ पर नीचे भी आता है एक अपॉर्चुनिटी है क्यों क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी गिर गया है और रिजल्ट इसके अच्छे आने के संकेत है और अच्छे आए या ना आए स्टिल थोड़ा सा और कंसोलिडेट करेगा फिर भागेगा बट भागेगा जरूर तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए इसके इलावा एक और स्टॉक्स एच एलई ग्लास कोर्ट देखिए आपको बता रहा हूँ तेजी तेजी आसपास नीचे आती हुई दिखाई दिया और इससे ब्रेक आउट पर ही है, मुझे नजर आता है, कि यहां पर रिजल्ट भी आने वाले है ओके आ, तो यहाँ पर इस लाइन को अगर इसने क्रॉस किया जो इसका हाई है आज का तो एक तेजी होगी जैसे बयालीस की तरफ और शायद यहाँ पर छह हजार तक के लेवल यहाँ पर आने वाले टाइम में देखे जा सकते हैं बट एक बार रिजल्ट देख लीजिएगा उसके बाद ही यहाँ पर कुछ डिसाइड करिएगा और इसके अलावा लास्ट बट नॉट एक और शेयर करेंगे बी, बी सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छे रिजल्ट तो नहीं थे इसके बट स्टिल यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा था वो कौन सा है वो पैटर्न है राउंडिंग बॉटम राउंडिंग बॉटम बन रहा था ओके और जो राउंडिंग बॉटम को ये पूरा करके जरूर दिखाएगा क्योंकि ये होता है यहाँ तक जाएगा यहाँ पर जाने का फिर गिरता हुआ नजर आएगा इसके आसपास आएगा तो आप चाहे तो थोड़ी सी तेजी के लिए ओके तीन सौ के लिए खरीद सकते हैं पच्चीस सौ रुपए के टारगेट के लिए बट इसके बाद चीजें नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसी तरीके से आपको काम भी करना है और यहाँ पर ब्रेकआउट भी होता हुआ दिखाई दे रहा है आज के हाई निकाला तो तेजी होती हुई दिखाई देगी बाइंग करना है सेलिंग करना है ये सब अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करिएगा वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और हमें सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए बेल आइकन को नहीं दबाते बहुत सारे लोग जिसकी वजह से उन्हें वीडियो नहीं मिल पा रही वो सीख नहीं पा रहे बट मेरा मकसद है कि उनके पास वीडियो पहुंचे वो यहाँ पर सीखे हमारी वीडियो से कि किस तरीके से हम आपको यहाँ पर चीजें दिखा रहे हैं सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस